स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल लर्न फॉर क्लास फिफ्थ इन चैप्टर नंबर सिक्स। चैप्टर नेम इज एलसीएफ एंड एलसीएफ। आज हम लोग कक्षा पाँच के क्लास फिफ्थ के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर सिक्स में एलसीएफ और एलसीएफ के विषय में सीखेंगे। ओके तो एलसीएफ व्हाट इज एलसीएफ, एलसीएफ क्या होता है तो कौन कहेंगे एलसीएफ इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ओके हम कहेंगे एलसीएफ इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएफ क्या है तो एलसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का शॉर्ट फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है। ठीक है, यानी कि एलसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा, उच्चतम, ठीक है, महत्तम। हाईएस्ट मीन्स महत्तम, हाईएस्ट मीन्स होता है सबसे ऊंचा या बड़ा, या कह सकते हैं महत्तम, ये होता है हाईएस्ट। ओके ठीक है, कॉमन मीन्स होता है, कॉमन मीन्स सम या समान या उभयलिंग, ऐसे बोलेंगे उभय, जो है कॉमन। बोर्ड रफी होता समझ लो, कॉमन काम होता है समान या सम या उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या होता है मतलब जो सब में हो, इसको कहते हैं उभयनिष्ठ या कॉमन। ठीक है, वैसे मैथमेटिक्स लैंग्वेज में हिंदी में कॉमन को बोलते हैं सार्व। क्या बोलते हैं? सार्व, जो सब में होता है वो सार्व होता है, सार्व। ठीक है, तो पढ़ेंगे हाईएस्ट मतलब महत्तम, ठीक है, और कॉमन मीन्स सम, कॉमन मीन्स सम। और अगली बात होती है फैक्टर, फैक्टर मीन्स गुणनखंड, नाम सुने होंगे, ठीक है, आप सुने होंगे फैक्टर मीन्स होता है गुणनखंड, गुणन खंड। इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न्ड अबाउट फैक्टर आर प्राइम फैक्टर आर कॉमन फैक्टर्स। इन प्रीवियस क्लास
यू हैव लर्नड अबाउट फैक्टर आर प्राइम फैक्टर आर कॉमन फैक्टर। मतलब पूर्व की कक्षा में आप लोग सीख चुके हैं गुणनखंड के बारे में या प्राइम और भाज्य गुणनखंड के बारे में या सार्वगुणनखंड के बारे में सीख चुके हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं आपसे प्राइम फैक्टर, प्राइम मतलब अभाज्य, जैसे कह दिया जाए एग्जाम्पल की बात कर दिया जाए, हम लिखते हैं आपको 75 लिखे, इसको जब रफ में काम करेंगे ऐसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, लिख सकते हैं 3 से डिवाइड करें 3 × 2 = 6, वन होगा 3 × 5 = 15 होगा ना, होगा ना, होगा, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बोलो 3 × 2 = 6, वन बचेगा 15 होगा, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 5 × 5 = 25, फिर 5 × 5 = 5। तो हेंस 3 × 5 × 5 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 75। यहाँ पे क्या है 3 × 5 × 5 क्या है 75 का अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर है। ठीक है, ऐसे प्राइम फैक्टर होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप जो है पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर क्या होता है और क्या होता है कॉमन फैक्टर क्या होता है, लेकिन इसमें हम क्या सीखेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा फैक्टर चुनेंगे जो क्या हो हाईएस्ट हो और कॉमन हो। हाईएस्ट हो और कॉमन हो, ओके, अर्थात इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हाईएस्ट मीन्स महत्तम, क्या बोलेंगे, बोलेंगे ऐसे महत्तम धन सम, कॉमन मीन्स होता है सम, और फैक्टर में जो गुणनखंड होता है उसको हम इसको अपवर्ड, अपवर्ड तक अपवर्ड कहते हैं, अपवर्ड ठीक या अपवर्तक कह सकते हैं, फैक्टर को हम अपवर्तक भी बोलते हैं, ओके, इसलिए इसको बोलेंगे अपवर्तक, अपवर्तक ऐसा होता है, कौन ए वाला। इस प्रकार हम कहते हैं कि HCF क्या है, तो कहेंगे महत्व, देखो अब यहाँ देखो सम में हिंदी पाया जाएगा आपको सम नहीं पाया जाएगा, सम अ धन अ बराबर आ होता है, सम पाते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा समा हो जाएगा, अपवर्तक हो जाएगा, महत्व मतलब क्या पढ़ेंगे महत्तम समा अपवर्तक, ठीक है, HCF मीन्स होता है, HCF मीन्स होता है महत्तम, महत्तम समापवर्तक ये होता है, यह पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट HCF, अर्थात इस अध्याय में हम लोग महत्तम समापवर्तक के बारे में सीखेंगे। ठीक है, आपको मैं क्लियर किया कि क्या होता है मतलब HCF, क्या होता है HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इसको यानी कि HCF को, ठीक है, GCF भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, क्यों पढ़िए पढ़िए, उसको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। तो अब देखिए हमने कहा इसको फैक्टर क्यों कहते हैं, फैक्टर
यहाँ पहुँचा क्यों कहा, क्योंकि अब यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल्स में 3 जो है 75 का फैक्टर है, 75 का फैक्टर इस पे 5 भी है, 75 का फैक्टर यह 5 भी है, 75 का फैक्टर 25 भी है, ये सब फैक्टर हैं। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर जो होता है ये बता दें आपको, मिलाना पड़ेगा। सुनिए एक बार फिर बता दें, हम एचसीएफ को जीसीडी कहते हैं, जीसीडी मतलब डिटेस, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर DIVISIOR डिवाइजर ही तो है। इसमें गलत हो या आई नहीं रहेगा, डिवाइजर मतलब सबसे बड़ा सम भाजक, भाग देने वाला, जैसे हम कहें यहाँ पर 75 किए थे, 75 किसे कटेगा तो 3 से डिवाइड करें तो हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, और किसी हो सकता है 5 हो सकता है, 5 डिवाइड कर सकता है, और कौन डिवाइड कर सकता है तो 15 भी कर सकता है, उसके बाद 25 भी कर सकता है ना, और 25 भी कर सकता है। देखिए हियर इन एग्जाम्पल्स 3, 5, 15, 25 and 75 इज अ फैक्टर्स ऑफ 75। यहाँ पर 3, 4, 5, 15, 25 और 75 भी क्या हैं, 75 के फैक्टर हैं, फिर मतलब भाग देने वाला डिवाइजर, उसमें भाग दिया जा सकता है, वो फैक्टर है, ठीक है। तो जब हमको क्वेश्चन में मिलेगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करो, हैं क्या करेंगे, हम कहेंगे ऐसा कि जो भी नंबर हमके मिलेंगे, जो भी संख्याएं हम पाएंगे, सब क्या करेंगे, हम फैक्टर लिखेंगे, सब क्या करेंगे फैक्टर लिखेंगे। एग्जाम्पल की बात करो तो हमारे पास नंबर्स है 18 and 24 ठीक ना, तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 18, बोले क्या होगा 18 में किसी से फैक्टर डिवाइड कर सकते हैं, 2 से है ना, 2 से डिवाइड होगा ना, होगा नहीं होगा, 3 से होगा, होगा उसके होगा 6 होगा ना, होगा नहीं डिवाइड होगा 18, फिर 9 से होगा, होगा होगा नहीं होगा, किस से होगा 18 से होगा, होगा ना। तो हियर 2, 3, 6, 9 and 18 आर फैक्टर्स ऑफ 18। यह क्या है 2, 3, 6, 9 और 18 क्या हैं, 18 के फैक्टर हैं, ये अपवर्तक हैं, समझ गई। सेम इसी प्रकार फैक्टर्स ऑफ किसका 24 क्या होगा, 2 होगा, 1 होगा,
थ्री होगा और क्या होगा हाँ फोर होगा और सिक्स फाइव नहीं होगा। 25 को डिवाइड करेंगे सिक्स से, फोर से सिक्स से और किससे एट से और किससे 12 से और किससे 24 से, ठीक है। तो हियर आर फैक्टर्स ऑफ 18 and 24, यहाँ पर 18 के और 24 के फैक्टर गुणनखंड या पौर्तक लिखे गए हैं, ठीक है हो गया। तो ऐसे हम निकालते हैं फैक्टर, ठीक क्या करते हैं देखते हैं इन फैक्टर्स में कौन कौन से कामन हैं, ठीक है। कामन क्या है, टू कामन, देखो टू कामन है, कामन टू ना काम मतलब जो सम बराबर जो दोनों होता है, जो दोनों हो कामन है, उभयनिष्ठ है ना। टू जो 18 में है और किसमें है 24 में भी है, 3 भी है ना, 6 है और कुछ है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो कहेंगे इन 18 and 24 टू थ्री एंड सिक्स आर द कॉमन फैक्टर, हाँ टू थ्री एंड सिक्स आर कॉमन फैक्टर ऑफ 18 and 24। बट यू वांट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है, सिक्स है ना, सबसे बड़ा कौन है सिक्स है। इसलिए FCF of 18 and 24 equal to 6, इसी क्या होगा 18 और 24 का ऐसे भी ना होगा 6 होगा, ठीक ना। 18 और 24 का FCF है इसका मतलब क्या होगा 6 होगा, 18 का और 24 का मतलब समाप्त होता कितना होगा 6 होगा, 3 होगा, 6 होगा, ठीक ना। बस भाई ऐसे निकालते हैं, अर्थात क्या हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, वह संख्या होती है जो क्या होती है जिनकी होती है उसमें भाग देने पर वो कर देती है सबको। 6 से भाग देंगे तो 18 भी कटेगा और 24 भी कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा भाग कोई भी जाएगी, इस क्या है 6 क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, समझ लो बात को, फिर बात नहीं बताएंगे क्या बताएं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक क्या होता है, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है दी हुई संख्याओं का, ठीक है महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन्हें विभाजित कर देती है, काट सकती है, ठीक है। कहेंगे एफसीएफ ऑफ गिवन नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड कंप्लीटली गिवे नंबर, ठीक है उन दी हुई संख्याओं को पूरा काट सके, ठीक है। बस भाई इस प्रकार क्या कहेंगे लिखेंगे HCF of given numbers is the number HCF of given numbers is the number that पूछो क्या बात है बता दो बात है that
डिवाइड डिवाइस में क्या है, कंप्यूटर है, गड़बड़ है जी, रहेगा ना पैंसी जी, डिवाइस स्पेलिंग, डिवाइस स्पेलिंग बताइएगा, डिवाइड डिवाइस स्पेलिंग ठीक है ना, देखो डिवाइड डी में दस, वी से दैट एच सी एफ आर गिवे नंबर्स इज द नंबर दैट डिवाइड डिवाइस द गिवे नंबर, मतलब दी संख्याओं का महत्वपूर्ण पोर्टक वह संख्या होती है जो दी संख्याओं को पूरा पूरा काट सकती है, ठीक ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स सच एज सिक्स इज एस सी एफ ऑफ 18 एंड 24, ठीक ना, 18 और 24 का एस सी एफ क्या है, 6 है, ठीक है,